दोनों के दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं और कोई फर्क नहीं, मतलब ये अगर एक बार ड्राइवर बनेगा तो ये भी बनेगा, तो पुलिस को समझ भी नहीं आएगा लाइसेंस किसका और किसका नहीं है। अगर पुलिस ने पकड़ दिया तो चलान हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइसेंस अलग से होता है ना, उसका TR करके आता है वो। आपको मेरे ऑडियंस को बताओ कितने दिन में मिला लाइसेंस? 15 दिन में। ये कैसे ओपन कर लेते हैं? अच्छा ये भाई सब बैठ गए। आपकी हाइट भी उतनी नहीं है तो बैठने के लिए आपको सीढ़ियाँ लगेगी थोड़ी सी, या फिर ये जो इसका इस्तेमाल करते हैं फुटरेस्ट का है कि नहीं? अच्छा चलाने में कैसे है भाई सब बताओ अशोक लेलैंड। गाड़ी का इंजन चलाने में अच्छा लगता है कि बोलेरो भी अच्छी है? ये अच्छी लगती है ये, और 4 टन माल खींच लेती है। आपको रियल वाली स्टोरी दिखा दे भाई साहब, जरा दिखा दो अपने ऑडियंस को जरा, कहाँ पे है अपना 4 टन माल? ये देखो ऐसे गाड़ी को ना अभी ट्रेंड नहीं बना है, जो SUV लेते बंदे। हाँ अभी माल इसमें लोड करेंगे ना फिर। ये तो बॉनी की बॉटल ही है, लेकिन इससे भी तगड़ा माल लेके जा सकती है। दो बंदे, सिर्फ 2 बंदे। कितना भाड़ा लेते हो? 1 किलोमीटर वाइज होता है क्या आपका? ना, तो किलोमीटर में 1 मिनट में गियर में भाई लगा देता हूँ लेलैंड के साथ। हाँ और गाड़ी कम्फर्ट के मामले में बोलो उससे तगड़ी है, तगड़ी है बोलो बड़ी जोर से, 1 नंबर है। हेलो भाई मैं ओमकार, ये जो है अनसेटल रोड आप यहाँ पे देख रहे हो, और उसका अगर टैकल करना हो तो इन जैसी गाड़ी काम आती है अशोक लेलैंड। लेकिन आज जो भाई की गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्राइवर है इस गाड़ी में, उनसे थोड़ी स्टोरी एक फनी टाइप का एक किस्सा है, वो अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये जो चलाते हैं ना इसकी, ऐसे रोड पे ऐसे उड़ते हैं ये गाड़ी लेके, ऐसे उड़ाते हैं अशोक लेलैंड को, तो ये गाड़ी इसके लिए ही बनी है। और सामान वामान खींचना हो ना तो इन जैसी गाड़ियों का ही काम आता है। तो फिलहाल तो एक ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, ये अशोक लेलैंड का इंजन जो करीबन बात करते हो तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इंजन है, मतलब बेंज जो है वो कंपनी बनाती है इसका इंजन, जो है भारत लेलैंड भी बना जाता है। और ये जो इंजन है वो 1.8 लीटर का इंजन आपको करीबन जो है वो 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क छोड़ के देता है लमसम, और 150 CBHP 185 BHP छोड़ लेता है इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ। काफ़ी बढ़िया इंजन है, बड़ा दोस्त यहाँ पे नाम लिखा था। अरे भाई अब टाइम वेस्ट ना करते, इस भाई से मिला ही देता है। और सबसे पहले स्वागत है अपने चैनल में भाई, अपना नाम हो जाए यार, नाम हो जाए अपना अभिषेक। अभिषेक ये बात बताओ यार, दोनों के दोनों भाई एक साथ दिखते हो और एक जैसे दिखते हो, मतलब ये भाई अपना एक जैसा दिखता है, ये भाई अपना एक जैसे दिखता है, दोनों के दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं और कोई फर्क नहीं, मतलब ये अगर एक बार ड्राइवर बनेगा तो ये भी बनेगा, तो पुलिस को समझ भी नहीं आएगा लाइसेंस किसका और किसका नहीं है। मतलब ये कहानी क्या है यार तुम दोनों की, जरा सुनाओ तो यार, मतलब तुम दोनों भाई भाई हो क्या? एकदम जुड़वा भाई हो क्या? एकदम सगे भाई? अच्छा सगे भाई की तरह। अरे हाँ तो आ जाना यार, पास तो आ जाना, कितने शर्माते हो यार। नाम बताओ यार अपना। अमित। अमित ऐसा आवाज चाहिए यार, अमित क्या आवाज कैसे चाहिए, ऐसा बढ़िया चाहिए है ना। तुम्हारा नाम बताओ? अभिषेक। अभिषेक तुम दोनों में से गाड़ी कौन चलाता है भाई? मैं चलाता। इसने पहले हाथ खड़ा कर दिया, ये चलाता है। तू? मैं नहीं चलाता। तू नहीं चलाता? अशोक लेलैंड चलाता मतलब कोई सी भी गाड़ी नहीं चलाता कि ऐसे ट्रांसपोर्ट? हाँ टू व्हीलर चलाएगा, सिर्फ 2 व्हीलर, 4 व्हीलर नहीं चलाते? लाइसेंस नहीं बन रखा है? लाइसेंस नहीं काट रखा है अभी तक, फिर भी 2 व्हीलर चलाते हो? अच्छा ठीक है, लेकिन 4 व्हीलर का लाइसेंस नहीं है तुम्हारा? लाइसेंस सब है। अगर अच्छा बात बताओ अपने ऑडियंस को भी बताना, इनको अगर चलाना हो तो उनके जैसे, अभी मेरा भी लाइसेंस है मेरे पॉकेट में, वो LMV है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का। ओके तो ये गाड़ी चलानी हो तो अलग सा लाइसेंस आता है क्या, कि वही लाइसेंस में छपवा के आता है कि आप ये गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन चला सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन TR में लाइसेंस होता है ना, वो TR का करना पड़ता है। मान लो मेरी जेब में ऐसा एक लाइसेंस है मेरा, लेकिन उसका ये वाला पासिंग नहीं है ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल व्हीकल का स्पेशली, तो मैं चला तो अपने तरफ से, मेरे को आती है गाड़ी चलाना तो मैं चला सकता हूँ। ओके लेकिन ये नहीं कर सकता ना मैं, अगर पुलिस ने पकड़ दिया तो चलान हो जाएगा, क्योंकि इसका लाइसेंस अलग से होता है ना, उसका TR करके आता है वो। आपको मेरे ऑडियंस को बताओ कितने दिन में मिला लाइसेंस? 15 दिन। सिर्फ 15 दिन में? इतने फास्ट? एग्जाम वगैरह नहीं देनी पड़ी आपको? अच्छा अंदर तो बैठो भाई, कैसे चलाते हो, राजे जैसे दिखते हो कि रानी जैसे दिखते हो? देखो तो ये कैसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा ये भाई सब बैठ गए। आपकी हाइट भी उतनी नहीं है तो बैठने के लिए आपको सीढ़ियाँ लगेगी थोड़ी सी, या फिर ये जो इसका इस्तेमाल करते हो फुटरेस्ट का है कि नहीं? अच्छा चलाने में कैसे है भाई सब बताओ अशोक लेलैंड? ये कितना, कौन सा मॉडल है ये वाला मॉडल? मेरे से लगता है मतलब सेकंड टॉप है। ओके बेस वाला छोटा आता है इससे, वो मेरा इसकी पेइंग लोडिंग कैपेसिटी क्या है जरा ऑडियंस को बता देना, मतलब ये आराम के साथ 2.5 टन के ऊपर खींच लेता है? 2.5 टन? 4 टन? इतना तो नहीं होगा भाई, 1.7 मैट्रिक टन, मतलब बोलेरो जो आता है ना पिकअप, नहीं 4 टन आराम से लेगा, 4 टन आराम के साथ ले लेगा, खींच लेगा, ये आपकी फुल गारंटी है? फुल गारंटी। बड़े आवाज करके बोलो यार, फुल गारंटी। फुल गारंटी है
मतलब आप चलाते भी वैसे, आवाज तो सुनाओ भाई ऐसे इग्निशन ऑन करके गाड़ी के कैसी आती है अपने ऑडियंस को जो कमर्शियल में उसने ये देखो भाई साहब ने स्टार्ट किया गाड़ी है, क्या हीरो जैसे लग रहे हो यार, शाहरुख जैसे लग रहे हो, मजाक नहीं कर रहा। और ये भाई आपके सिर्फ देखते हैं यार, अगर आपको इस गाड़ी में बैठा दिया जाए तो चलानी नहीं आएंगी। मुझे तो गाड़ी चलाने आती है, लेकिन मैं चलाऊँ मान लो ये गाड़ी तो मैं लेक तो जा सकता हूँ, लेकिन पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो आपको नहीं पकड़ सकती, मेरे को पकड़ेगी हैं, क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं है वो वाला ट्रांसपोर्ट कमर्शियल वाला। इसको एक कमर्शियल का अलग से लाइसेंस आता है क्या? हाँ अच्छा, तो 15 दिन में आप बोल रहे हो लाइसेंस आपको मिला, तो एक बात बताओ अपने ऑडियंस को, चलाने के मामले में कैसी है गाड़ी यार? एक नंबर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे, बाहर तो उतरो, अभी जैसे बाहर उतरते हैं भाई साहब बहुत ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है भाई साहब को, है कि नहीं है? एक बात बताओ कि ये गाड़ी है ना अशोक लेलैंड है, बताओ बराबर, ये अशोक लेलैंड की पावर ऐसे मानी जाती है, बेंज कर मर्सिडीज बेंज है ना वो इंजन देता है इनको, बेंज ग्रुप, तो ये गाड़ी का इंजन चलाने में अच्छा लगता है कि बोलेरो भी अच्छी है? ये अच्छी लगता है मेरे ये, और 4 टन माल खींच लेती है। आपको रियल वाली स्टोरी दिखा दे भाई साहब, जरा दिखा दो अपने ऑडियंस को जरा, कहाँ पे है अपना 4 टन माल, ये देखो ऐसे गाड़ी को ना अभी ट्रेंड नहीं बना है, ये एसयूवी लेते बंदे। हाँ अभी माल इसमें लोड करेंगे ना फिर ले लेंगे। ये तो बॉनी की बॉटल ही है, लेकिन इससे भी तगड़ा माल लेके जा सकती है कि नहीं? प्याज हो, आलू हो, चाहे बहुत ज्यादा बड़ा माल हो, तो 4 टन आ जाता है, लोड नहीं लेती गाड़ी, लोड होता है तरी लेके जाता हूँ ना। मान लो 4 टन फुल करते हो और 2 बंदे और 3 बंदे जाते हो आगे, तो 3 बंदे बैठ पाएंगे ओके, तो 3 बंदों के लिए, 3 बंदों के हिसाब से अगर 3 बंदों के लिए ये गाड़ी है आगे बैठती है, तो मान लो ये फुल 4 टन माल लेके जा रहे हो ऊपर ऐसे घाट वाट मार रहे हो ऐसे कोल्हापुर या फिर सोलापुर, बड़े मतलब बड़े बड़े घाट होते हैं ना, उसको टरेन क्रॉस कर रहे हो, तो उस टाइम पावर लैग नहीं होता, कम नहीं पड़ जाती, फिर भी आपको पिकअप देती है? आपको एक रियली बात बताओ अपने ऑडियंस को, हाँ पास तो आना, टायर तो मेरे ख्याल से बोलेरो से 2 इंच बड़े हैं यार, मेरे को लगता है ट्यूबलेस टायरों के टायर आते हैं क्या उसको अशोक लेलैंड को? यहाँ पे ये देख लो अपना जो है वो सिंबल I2LX करके आपको मिल जाता है। और एक बात बताओ इस गाड़ी की, जैसे आप पिकअप लेते हो 4 टन माल के साथ, मतलब इसकी जो है 1.7 मैट्रिक टन के अंदर होगी, इसकी 300 किलो तक खींच सकता है ये माल, तो ये आप लेते हो तो उस टाइम आपको ऐसे फील नहीं होगा पावर लैग हो रही है फुल अगर माल भर के लेके जाते हो इस गाड़ी को, तो कि लोड आ रहा है तो उतना भरते नहीं आप? साढ़े तीन कितना? साढ़े तीन भरते हो, फुल 4 टन। अभी आपने बोलेरो चला के रखे? बोलेरो नहीं चला है अभी तक, लेकिन कभी अगर आप चला दोगे तो फिर भी आप कह रहे हो कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल मशीन बनाई है, इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि आराम के साथ खींच दे सब कुछ, है कि नहीं? और सर्विस रिस्पांस कैसा है बढ़िया बताओ इस गाड़ी का? और ये एक बात बताओ, जैसे कि ये अशोक लेलैंड है, महिंद्रा बोलेरो तो सारे लोग लेते हैं काफ़ी, ये तो उसकी तरफ काफ़ी कम बंदे जाते हैं, हालांकि मैंने देखे हमारे सिलेंडर डिलीवर करती हैं गाड़ियाँ वो अशोक लेलैंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, माइलेज गिलेज बहुत अच्छा है बोलेरो से, तगड़ा है डीजल में? डीजल। और एक बात बताओ, मैंने फील किया है जैसे बोलेरो में बैठते हो ना वो आवाज आपको सताती रहेगी घर 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 घर, बोलेरो की जो है डीजल इंजन की, इसमें काफी स्मूथ है एम्बियंस लेवल, ऐसे मुझे लगता है कि नहीं? अगर ये मान लो ऐसे मैं बैठ जाता हूँ इस गाड़ी में इस टाइम, तो अभी आवाज देख लो आप, अब ये पकड़ो थोड़ा डोर, ये ऐसे करके निकलना पड़ता है, ये देख लो इसको, अब ये इसकी ये इंजन की आवाज़ देख लेना भाई, कितना ज़्यादा स्मूथ है यार, कितना ज़्यादा स्मूथ है। अब यही बोलेरो में आप बैठते ना घर 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 घर, और इसमें एसी भी है, आप क्या अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो क्या चोरी छुपके एसी में ही जाते हो क्या? अरे आप तो बच गए, पीछे वाला मर गया तब के मर गया। अगर आप मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन कराने जाते हो तो कितने बंदे जाते हो टोटल? 2 बंदे। सिर्फ 2 बंदे? कितना भाड़ा लेते हो? 1 किलोमीटर वाइज होता है क्या आपका? तो किलोमीटर मध्य 1 मिनट में गियर में भाई लगा देता हूँ, तो गियर में लगिए उतरते हुए भाई 5-7 ये 6 फीट का बंदा तो चाहिए ही चाहिए इसको, क्योंकि उतरते हुए सीढ़ियाँ तो चाहिए, काफ़ी ऊंची गाड़ी है ये, सेकंड टॉप एंड है फिलहाल तो। और ये बात बताना, ये आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके जो चार्जेस होते हैं वो किलोमीटर वाइज होते हैं कि एक दिन के लेते हो या फिर वजन जितना बढ़ जाता है उतना लेते हो आप? किलोमीटर किलोमीटर वाइज होते हैं। अगर मान लो यहाँ से आपको घाट तक, कोकण से घाट तक जाना है या फिर कोकण से गोवा तक जाना है, मालवन ये जो अपना जो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गोवा फिर शिफ्ट करना है, तो 200 किलोमीटर पकड़ते हो, तो 200 किलोमीटर हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट इसका देते तो मतलब देना पड़ता है उस पार्टी को, या फिर एक दिन का या फिर वेट के अनुसार होता है, वेट जैसे बढ़ जाता है किलोमीटर होता है, वेट और किलोमीटर दोनों भी है कैलकुलेट करते हो, पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है एवरेज अगर पकड़ते हो तो भाड़ा आपका?
भाड़ा 5 किलोमीटर दो तीन हजार रुपये दे देंगे। 2-3 हजार रुपये दे देंगे, दे दोगे। आपका नाम क्या बताया आपने? अभिषेक। अभिषेक देख लो भाई, भाई आप शर्माते हो, और आप भी आ जाओ यार। अरे आ जाओ यार, वो सामान तो छोड़ दो यार। अरे शर्मा रहे भाई, ये तो ठीक है। और अशोक लेलैंड की कीमत अगर बात करते हो तो कीमत के हिसाब से ये 10 लाख पार होगी इसकी कीमत, है कि नहीं? बोलेरो जो है वो 1.3 मैट्रिक टन, तो मेरे ख्याल से BS6 कूल जो है ना, कोल्ड चार्ज वाला वो लिख के आता है ब्लू का, वो एड ब्लू डलवाना पड़ता है उसको, 4000 किलोमीटर लमसम एड ब्लू डलवाना पड़ता है। तो उसकी आवाज़ अभी कम कर दिया, पहले वाले की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी उससे भी तगड़ी शांत हो गई। अभी इसकी एक बात बताओ, बोलेरो को जैसे ये एड ब्लू डलवाना पड़ता है डीजल के बगल में जो है नॉब होता है, इसमें भी वही दिक्कत है क्या? इसमें एड ब्लू नहीं डलवाना पड़ता, सिर्फ डीजल? अरे यार काफ़ी, ये PS6 वाला ही है ना, फिर भी नहीं पड़ता? और मतलब कंपनी में या नॉर्म्स में आता है, मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब ऑन पेपर है? अरे कमाल है यार, मतलब कोई झंझट ही नहीं, सिर्फ डीजल भरो चलते बनो। और पिकअप के मामले में बोलेरो से आपको तगड़ा लगता है ये क्या? और बोलेरो और ये चलाते हो तो किस पे जाना पसंद करोगे? गाड़ी ड्राइविंग के मामले आप अकेले चलाते हो? अकेले इस पे ही जाना पसंद करे। तो भाई अशोक लेलैंड की ये रियलिटी देख लो, ये बंदे की दाद देनी पड़ेगी जो अशोक लेलैंड जो है आज तक चलाते हैं। और जो है वो अभिषेक रोते नहीं है ये अशोक लेलैंड चला के, मतलब आपको थकान महसूस नहीं होती चाहे कितने भी किलोमीटर हो। ये बोलेरो कभी चलाए नहीं आपने? लेकिन चला तो सकते हो, लेकिन वो ढा 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 ये देखो ऐसे आ रहे हैं ना डीजल इंजन की आवाज़, वो हमेशा सताते रहेगा। और उसमें एसी भी नहीं आता, ये सब सब कुछ आ जाता है यार, सब कुछ आ जाता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अगर बात करते हो ना अभिषेक, क्या कहता है आपने ऑडियंस को, थोड़ा सा समझा देना तो क्या क्या आता है यहाँ पे? मैं जैसा बैठता हूँ ना, ये देख लो, थोड़ी सी बैठने में ये जगह, ये स्पेस थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, ये थोड़ी पीछे, ये सीट आगे पीछे होती कि फिक्स है? आगे पीछे होता है, मतलब ये ऐसी कंफर्ट की सारे, हाँ यार मतलब आगे पीछे पूरे कर सकते हो। ये स्टीयरिंग व्हील है, ओके। एयरबैग्स आते हैं? एयरबैग्स नहीं आते कंपलसरी, ये अभी तो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में दिए नहीं है गवर्नमेंट ने, तो देने तो चाहिए थे। तो ये आता है अशोक लेलैंड का, हाँ हॉर्न तो हल्की पतली सी है भाई, मतलब ये गियर नॉब आता है इस तरह से, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सीडी प्लेयर वगैरह गाने वगैरह ऐसे लगा सकते हैं। 1000 लाइट्स की वार्निंग है, फ्री में दे बैठते हैं। कौन सा फ्री में मिलता है? आगे बड़े बात करो यार आवाज से, ये फ्री में मिला था? फ्री में मिला था, कंपनी से मिला था। अरे यार कमाल है यार, मतलब अरे मैं भी शूट भी कर रहा हूँ ना, इस जगह धूप नहीं है, ये छाव है, यहाँ पे रूफ है, और यहाँ इस जगह धूप काफ़ी है, तो अच्छी बात है, धूप में दिख पाता है ना। और ये एक मुझे इस गाड़ी के बाप भाई दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से जिस एल्टीट्यूड में बैठा हुआ मज़ा सा आ रहा है, मतलब ऊँचा बैठ के, है कि नहीं? और जो बोलेरो में काफ़ी नीचे बैठे और वो काफ़ी लोड आता है, ऐसा लगता है आप ड्राइविंग बोर हो जाओगे, घर 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 कर हमेशा नॉइज़ सुना। और इसमें एसी नहीं कुछ नहीं, इसमें देखो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये देख लो। अभी एक बात बताओ, जैसे ही ये क्या है भाई, ये पी है, ये क्या है, सेंसर का है क्या? कौन सा? हैंड ब्रेक की, अच्छा मतलब हाँ हैंड ब्रेक की लाइट है, तो पी क्यों लिखा हुआ है? ये तो हैंड ब्रेक की लाइट यहाँ पे आती है ना, ये पार्किंग लिखा होता है ना, ये पी का पार्किंग इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक क्यों नहीं आता है? तो पी ऐसे ही लिखा होगा ये उन्होंने, सिर्फ नहीं तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि निशान तो दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है हैंड ब्रेक में हैंड ब्रेक का है पैसा, लेकिन ये कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ये हैंड ब्रेक का निशान है, तो ये इमरजेंसी के लिए, जो ड्राइवर अनपढ़ होते हैं कुछ समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए समझने के लिए। लेकिन भाई चलाने वाइज एक बैठने वाइज बोलेरो से काफ़ी तगड़ा है। और आप क्या राय लेते हो अपने ऑडियंस को जो है वो लास्ट का बता देना, बोलेरो की अशोक लेलैंड? अशोक लेलैंड हमेशा जाना पसंद किया, असल ड्राइवर लोग भी अशोक लेलैंड पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा सेल बोलेरो के होते हैं, ये तो बात रियलिटी है। अभी मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करते हो तो बोलेरो की आपको ज़्यादा लगती है कि इसकी ज़्यादा लगती है? इसकी ज़्यादा है मेंटेनेंस, ज़्यादा है मैं बोल रहा, तो इसका फ़ायदा क्या है? तो बोलेरो की सर्विस रिस्पांस जो है वो तगड़े है, महिंद्रा की सर्विस ज़्यादा है, और जो है वो सर्विस स्टेशन भी पास में ही है, जहाँ यहाँ पे अशोक लेलैंड का जहाँ पे है वहाँ पे कराते हो अशोक लेलैंड की? उमरट हाँ ठीक है, कोई इधर भी करवाते, पास ही में ही है ना, जहाँ पे आप यहाँ पे कोंकण में हो, जहाँ पे स्टेबल हो, पास ही लोकेशन में, तो एक सर्विस के बोलेरो से आपको काफ़ी कम लगते हैं पैसे जब आप लेते और सब कुछ करा देते हैं। तो ये था अपना जो एक्सपीरियंस जो है वो अभिषेक भाई जी का जो है वो अशोक लेलैंड जो ऑन करते हैं, मतलब ये उनकी जो है वो भाड़े पे ली हुई गाड़ी है, वो तो ड्राइवर है, लेकिन एक ड्राइवर की अगर हॉनेस्ट ओपिनियन लो तो अशोक लेलैंड की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वो जाता है, क्योंकि ये जो इंजन है वो काफ़ी, वो बोल रहे कि स्मूथ है ना कि नहीं? स्मूथ है, ट्रांसमिशन काफ़ी मुझे बोलेरो से काफ़ी हार्ड नहीं, सॉफ्ट लगे, इंजन तो डीजल लगता ही नहीं, पेट्रोल है ऐसा लगता है, और काफ़ी बड़ी गाड़ी चला रहा है ऐसा फील भी नहीं होता है कि नहीं अभिषेक भाई? तो ये तो अपना कुछ जो है वो ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस, दोनों जुड़वा भाई, जरा पास में जाना है भाई, जरा आया आ रहे, फोटो निकालना यार, आ जा मोबाइल रख यहाँ पे गाड़ी में आ जा। चलो वीडियो को तो एंड करते हैं, और दोनों भाई साहब की, दोनों जुड़वा भाई की ये कहानी है कि सेटिस्फाइड हो अशोक लेलैंड के साथ।
हैं, और गाड़ी कंफर्ट के मामले में बोलर से तगड़ी है, तगड़ी है, बोलो बड़ी जोर से, एक नंबर है। ये था कुछ अपना जो है ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस, दोनों जुड़वा भाई का, अभिषेक और अमित दोनों जुड़वा भाई है, सेम दिखते हैं। और अरे आपका तो एक फायदा बताऊँ, कई बार हाईवे पे जाते हो ना, एक्सचेंज करते हो, तुम्हें तो बोला तुमने आती ही नहीं गाड़ी चलाना, लेकिन तुम एक्सचेंज करके बैठ जाओ, पुलिस को पता भी नहीं चल गया, क्योंकि दोनों जुड़वा दिखते हो। तो वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक लेलैंड यहाँ पे है, ये ट्रक काफ़ी ज़्यादा फेमस, डीजल इंजन में काफ़ी स्मूथ नॉइस आती है। वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ दोनों भाई जुड़ने के लिए और जो है वो टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।